कुछ बातें हैं जो मैं बीजेपी और कांग्रेस पार्टी से कहना चाहती हूँ कि आप बोर्ड के समय तो हाथ जोड़ने फिरते हो, गांव में फिरते हो, मतलब ऐसे ही बोर्ड लेने के लिए आप बहुत सी जगह जाते हो, लेकिन क्या आप जीतने के बाद वापस उन्हीं गांव में आते हो? आप बोल के चले जाते हो ये बनवाऊंगा वो बनवाऊंगा, आपकी सारी मांगे पूरी करूंगा, तो क्या आप जीतने के बाद उन्हीं गाँव में वापस आते हो कि जनता को सूचित करने की हाँ क्या प्रॉब्लम है ये पूछने आते हो जीतने के बाद? नहीं आते। चलो आप बिजी भी हो जाते हो जीतने के बाद, लेकिन आप किसी ना किसी अपने सपोर्ट के को भेज सकते हो गाँव में, जहाँ जहाँ आप वोट लेने गए थे जिन्होंने आपको जिताया है उन्हें ही नहीं, आप गाँव की मदद के लिए आपको जिताते हैं, तो क्या आप ये वापस आते हो, भेजते हो मजबूरी, आप पूछते हो कि क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या बनवाना है क्या नहीं बनवाना, क्या करना है गांव में, सुविधा उपलब्ध क्या करानी है क्या नहीं है, नहीं पूछते, क्योंकि आप है ना, आपको वोट मिल जाते हैं तो आप बस जीत गए, लेकिन फिर वापस वोट लगते हो तो फिर आप हाथ जोड़ते हुए सारे गांव में फिरते रहते हो और वही बोलते हो कि हाँ ये लेकिन आप काम नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते? जब आपको जिताए जा रहे तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि आप उन गांव में जाके वापस से पूछो कि क्या प्रॉब्लम है, उनके काम करवाओ, तो आपको वोट, आप मतलब हारने के सोचो भी मत हो। जिस इंसान ने ऐसा कर लिया ना, बीजेपी या कांग्रेस ने, इनमें से किसी ने भी ऐसा कर लिया ना, तो ये मान लो हर बार आप ही की जीत होगी। जनता है ना ये सोचकर जनता वोट क्यों नहीं बेचेगी? जनता वोट इसलिए बेचती है कि जहाँ पैसे मिल रहे, जनता को वोट बेचने का इसलिए अधिकार हो गया क्योंकि वो सोचते हैं, क्योंकि जीतेगा जो भी, वो काम तो कराएगा नहीं, कह के चला जाएगा। और अब